तो सन हम तब से देख रहे हैं जब से हम बॉर्न हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तब से ही यूनिवर्स में ये एग्जिस्ट हो रहा है। सन का बर्थ हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और रिसर्चेस और कैलकुलेशंस ये भी बताते हैं कि ये एटलीस्ट और 5 बिलियन ईयर्स तक ऐसे ही जलता रहेगा। तो आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि सन इतनी एनर्जी कहाँ से जनरेट कर पाता है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही बर्न होता रहता है? अगर सन के साइज का कोई स्टार को हम पूरा पेट्रोलियम या ऐसे ही किसी फ्यूल से फिल कर दे तो वो कुछ हजार साल ही सिर्फ जलेगा। सो व्हाट इज द रीजन दैट इज कीपिंग आवर सन अलाइव? इसका जवाब प्राइमरीली है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। अगर आपने मेरा फायर वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि फायर कैसे एक मिक्सचर ऑफ गैस है जो अराइज होता है केमिकल रिएक्शंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यूल। तो इसी तरह से एक टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। हमने इसके बारे में न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स के कॉन्टेक्स्ट में जरूर सुना होगा, बट सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस जिसे हम यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या क्रिएटिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। लेकिन इस वीडियो के लिए हम सिर्फ सन में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो फ्यूजन रिएक्शंस क्या है और ये कैसे सन को जलने में एनर्जी देते हैं, इसको हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री और कुछ नहीं बट एटम्स और एलिमेंट्स का सफर है एक टाइप का टू गेन स्टेबिलिटी। तो अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इन लिटरल सेंस मींस फ्यूजिंग ऑफ टू एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसका मतलब कोई भी दो एटम्स के न्यूक्लियस का जुड़ जाना और एक एटॉमिक न्यूक्लियस बनना। इस रिएक्शन में बेसिकली दो लाइट एटम्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए हेवियर एटम। ये लाइट एटम्स यूजुअली होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और उसके आइसोटोप्स। जैसे दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके बनते हैं एक ड्यूटेरियम का एटम। लेकिन हाइड्रोजन का एटम कंसिस्ट करता है सिर्फ एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में, तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ। तो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई कैसे फ्यूज हो सकते हैं जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज है? जैसे हमने इसके पहले वाले फोर फंडामेंटल फोर्सेस के वीडियो में जाना था कि लाइक पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिपल्शन होता है, तो इस रिपल्शन को ओवरकम करके ही दो न्यूक्लियस फ्यूज हो सकते हैं आपस में। बट ये फोर्स को ओवरकम करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसे तीन तरीकों से ओवरकम किया जा सकता है। नंबर वन, उस एरिया में प्रेशर बढ़ा के। नंबर टू, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। और नंबर थ्री, क्वांटम टनलिंग। कोइंसिडेंटली ये सारे फैक्टर्स भी सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को पॉसिबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सन इतना मैसिव है कि वो पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास कंप्राइज करता है। इसके वजह से सन के अंदर सारे हाइड्रोजन एटम्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर से कंप्रेस होते हैं। सन की ग्रेविटी इतनी है कि वो बहुत प्रेशर से सारे हाइड्रोजन एटम्स को पुल कर रही है, और कोई एरिया में अगर इतना हाई प्रेशर हो तो टेम्परेचर्स तो हाई होने ही है। ये हाई टेम्परेचर्स होते हैं अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो एलिमेंट्स को फ्यूज करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो पाता है। बट दिस इज नॉट द एंटायर पिक्चर। एक थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर भी है जिसे हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। इसके वजह से सन उसके बिगिनिंग स्टेजेस में हीट जनरेट कर पाया था और फिर चेन रिएक्शंस होने स्टार्ट हो गए। क्वांटम टनलिंग में पार्टिकल्स के वेव फंक्शन होने के वजह से उनका किसी जगह में एग्जिस्ट होना प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है। इसका मतलब पार्टिकल्स अगर एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर हो सकता है तो उनका उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर होना की माइन्यूट पॉसिबिलिटी भी होती है। ये सुनने में ऑड जरूर लगता है बट क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स इसी तरह बिहेव करते हैं। तो सन इतना बड़ा है और उसमें इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं कि ये पॉसिबिलिटी होते रहती है एवरीवेयर और जनरेट करती है हीट टू सेट अप अ चेन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए एक हाइड्रोजन का एटम जो कंबाइन होता है दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ अंडर सन्स हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। इससे ये दो पार्टिकल्स इतने स्पीड में एक्सेलरेट होते हैं कि इनके दो न्यूक्लियाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और फिर जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आ जाता है, और इस फोर्स के वजह से ये दो एटम्स आपस में फ्यूज होके बन जाते हैं ड्यूटेरियम का एटम, जो फिर एक हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन होके बन जाता है हीलियम 3। फिर ऐसे ही दो हीलियम 3 के न्यूक्लियाई कंबाइन होके बन जाते हैं हीलियम 4, और दो हाइड्रोजन एटम्स रिलीज होते हैं इन दिस प्रोसेस, जो वापस से ऐसे ही चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिलीज होता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस, और ये एनर्जी इसलिए रिलीज होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स जब कोलाइड होते हैं तो वो अपना थोड़ा मास डिस्पर्स कर देते हैं,
और जैसे आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E=mc² हमें बताता है कि एनर्जी और मास कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, तो इस वजह से जो मास पार्टिकल्स लूज करते हैं वो हमें देखने मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि फ्यूजन रिएक्शंस बहुत इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए अर्थ में प्रोड्यूस करना आसान नहीं है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना। बट आगे मे बी हम ये रिएक्शंस को यूज कर पाएंगे टू जनरेट एनर्जी, लेकिन एक चीज तो पक्का है, हमें अर्थ में क्रिएट करना पड़ेगा टेम्परेचर्स अराउंड मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऐसे किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने में, जो बहुत मुश्किल हो सकता है इवन इन फ्यूचर। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें इन सोशल मीडिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।